नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है शिव पुराण में कुछ उपाय बताए गए हैं जिसे हम करके अपने जीवन से सभी संकट और दुख दूर कर सकते हैं और आने वाली रुकावटों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए हरि प्रेमियों, शिव पुराण से लिए हुए कुछ उपाय। शिव भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय महीना होता है और कहते हैं इस महीने में की जाने वाली शिव की भक्ति में शक्ति भी बहुत ही होती है और मान्यता यह है कि श्रावण के मास में जो भी भक्त अपने सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं उन भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए आप ये शिव पुराण के कुछ बताए हुए उपाय कीजिए जिसे सावन के महीने में करने से आपको से छुटकारा मिलेगा और सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, अगर आपको गरीबी ने बहुत ही दुखी कर रखा है तो आर्थिक संकट को दूर करने के लिए आप पूर्व दिशा में बैठकर सात कोड़ियों और एक छोटे से शंख को मसूर की दाल में स्थापित कर दीजिए और मूंगे की माला से पांच माला ओम गण गणपते नमः मंत्र का जप करें। जबकि पूरा होने के बाद सारी जो सामान है सामग्री है उसको किसी अनजान स्थान पर ले जाकर दबा दीजिए मिट्टी के अंदर। तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ही परेशानियां आ रही है, आप अपने दाम्पत्य जीवन से बहुत दुखी है और ये दुख ये परेशानियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है तो आप सावन के महीने में हर सोमवार को अपने हाथ से साफ मिट्टी के शिवलिंग बनाइए और उन पर हल्दी मिला दूध और केसर चढ़ाइए। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख जरूर आएगा और जो लोग अविवाहित हैं जिनका भी रिश्ता नहीं हुआ है रिश्ते की बात आगे बढ़ जाएगी। भक्तों, यदि आपके जीवन में सुख चाहते हैं और सौभाग्य की कमी ना हो, अगर ऐसा चाहते हैं तो सावन के महीने में हर रोज 21 बिलोपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर उसे शिवलिंग पर जरूर चढ़ा कर आइए। ऐसा करने से आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी तो होगी ही, आपके परिवार में खुशियां भी आएंगी। भक्तों, आपको कोई इच्छा बहुत समय से मन में है लेकिन वो इच्छा पूरी ही नहीं हो रही, बहुत समय से वो अधूरी ही है, इसके लिए सावन के महीने में बहुत छोटा सा और आसान सा उपाय है। आप रोजाना सूर्य उदय से पहले उठ जाइए और नहा धोकर जल में काले तिल डालकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर दीजिए। ऐसा करते समय रोजाना ओम नमः शिवाय का मंत्र जरूर जप कीजिए। ऐसा करने से आपकी जो अधूरी इच्छा है जो मनोकामना है वो सभी पूर्ण हो जाएंगी। भक्तों, अगर आपके घर में बुरी आत्माएं जो भूत प्रेत जैसी होती है अगर उन सब ने प्रवेश कर लिया है, आप इस संकट से बहुत जूझ रहे हैं और जाने का नाम ही नहीं ले रहा तो आप सावन के महीने में स्नान करके भगवान शिव की पूजा जरूर कीजिए और उसके बाद पूरे घर में गौमूत्र लेकर छिड़काव कर दीजिए। ऐसा हर रोज पूरे सावन के महीने में करने से और साथ में गूगल से भी अपने घर में धूप को घुमाए। ऐसा करने से आपके घर से जो भी बुरी शक्तियां हैं भाग जाएंगी, खड़ी भी नहीं रहेंगी। शिव भक्तों, जीवन बहुत भागदौड़ का भरा हुआ है, इसमें दुर्घटनाओं का भय बना ही रहता है, इसलिए आप सावन के महीने में किसी भी प्रकार की दुर्घटना और संकट से बचने के लिए बैल को हरा चारा जरूर खिला दीजिए
और साथ में गाय को गुड़ के साथ रोटी भी जरूर खिला दीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास तो होगा ही, आप दुर्घटनाओं से और संकटों से बचे रहेंगे और आपके परिवार में खुशियां भर भर कर आएंगी।